Hey guys, तो जैसे कि हम सभी को पता ही है कि एनिमल 1 तारीख को रिलीज होने वाली हो। पर्सनली मैं तो इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपना टिकट बुक करा लिया है। 1 तारीख का ही सुबह सुबह का शो है मेरा, तो मैं तो इस मूवी को 1 तारीख को देखने जाने वाला हूँ। जैसे ही मैंने अपना टिकट बुक कराया उसके बाद मैंने सोचा आपको एडवांस बुकिंग के बारे में इसका बता देना चाहिए, क्योंकि इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो काफी जबरदस्त चल रही है। क्योंकि एक चीज तो हम सभी को पता है कि इस मूवी की जो लेंथ है वो काफी लंबी है, 3 घंटे 21 मिनट की ये मूवी होने वाली है, जिसके कारण इस मूवी के जो शोज हैं वो कम होने ही होने हैं। क्योंकि हर एक थिएटर का अगर आप सिंगल स्क्रीन की बात करो तो 3 से 4 से ज्यादा शोज नहीं चला पाएंगे, मैक्स टू मैक्स 5 लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं 2 घंटे 2.5 घंटे की मूवी होती है तो 6 शोज तक भी स्ट्रेच कर पाते हैं। अगर मूवीज बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है तो अर्ली मॉर्निंग शोज लगा कर वो 6 शोज तक भी खींचते हैं, लेकिन इस मूवी के साथ वो 5 शोज से ज्यादा नहीं खींच पाएंगे, जिसके कारण इस मूवी को डेफिनेटली एक डेंट तो लगने वाला है। और इस मूवी की जो प्राइसिंग है वो भी कम है। अगर मैं पठान की बात करूँ तो मैंने पठान के जितने पैसे दिए थे पहले दिन मूवी देखने के, उससे करीब करीब ये समझ के चलो मैंने करीब 20% पैसे कम दिए हैं एनिमल को देखने के, जो कि काफी बड़ी बात है। इस मूवी की जो प्राइसिंग है वो भी कम रखी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसी कारण से इस मूवी को एक डेंट तो लगने वाला है इसके कलेक्शन में, लेकिन हाँ इस मूवी का जो कलेक्शन है वो काफी जबरदस्त आने वाला है। इस मूवी की अभी की जो एडवांस बुकिंग है वो करीब 13 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। इसी कारण से मुझे पर्सनली लगता है इस मूवी का जो पहले दिन का कलेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं 43 से 45 करोड़ के बीच में आने। देखते हैं कि इस मूवी की एडवांस बुकिंग कहाँ जाके रुकती है और इस मूवी का पहले दिन का कलेक्शन क्या आता है। बाकी आपको क्या लगता है इस मूवी के पहले दिन का कलेक्शन क्या आएगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।